वही खबर रोहतास के सासाराम से है, जहां शिव सागर के सोनहर में बौद्ध महोत्सव का आयोजन किया गया, जिस अवसर पर गांव में एक अशोक स्तंभ का भी निर्माण किया गया, जिसका उद्घाटन जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने किया। इस दौरान विभिन्न दलों के नेता तथा कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम में राष्ट्रीय जनता दल के फतेह बहादुर सिंह, कांग्रेस के पूर्व मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम, जय कुमार सिंह, पूर्व विधायक वशिष्ठ सिंह, डॉक्टर अशोक कुमार, डॉक्टर निर्मल कुमार, करूप पैक्स अध्यक्ष इंद्रदेव कुशवाहा आदि उपस्थित हुए। वहीं साथ ही बौद्ध धर्म के कई साधु संत भी मंत्रोच्चारण कर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया। ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है, ऐसा अवसर हमें मिला है और इस अवसर पर मैं हम लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और भगवान ने जो गौतम बुद्ध हैं, गौतम बुद्ध को जो उनके उद्देश्य थे उनके प्रेरणा मिलने की आवश्यकता है। और जो सम्राट उनके शासनकाल में उन्होंने जो काम किया उसको जन जन तक पहुँचाने का काम उद्घाटन हुआ, इसमें सारे अतिथि लोग आए और उमेश कुशवाहा जी आए, उद्घाटन किए। सबसे श्रेय जाता है सुनहर ग्राम के लोगों को। सुनहर गांव के लोग अथक प्रयास करके और ये अशोक सम्राट का स्तंभ जो खड़ा किए हैं, यह अपने ऊंचाई के साथ साथ अपनी जितनी ऊंचाई है इस स्तंभ की, उससे कई गुना ज़्यादा यह ऊंचा संदेश दे रहा है। और यह ऐसा एक ऐतिहासिक कार्य किया है इन्होंने, इन लोगों ने, इनको तो साधुवाद देना चाहिए, क्योंकि यह स्तंभ जो है ऐतिहासिक है। ये हजारों साल में कोई मिटाने वाला नहीं है, कोई मिटने वाला नहीं है, कोई मिटा नहीं पाएगा। और इन्होंने इनके सहयोग भी लोग बहुत सारे लोग सहयोग भी किए। यह अच्छा एक पहल है, समाज को संदेश जाता है, समाज को एकता और अखंडता की संदेश जाता है। तो यह अच्छा कार्यक्रम हुआ, इसके लिए मैं सुनहर गांव के लोगों को या कमेटी के लोगों को साधुवाद देता हूँ।